तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सोना सिंह सोनू में। और जैसा कि पता है हम लोग रहने वाले सोनपुर के हैं, तो सोनपुर में रहते रहते कभी खाने पीने का भी मन कर जाता है बाहर का। तो वैसे ही हम सोनपुर से गुजर रहे थे तो एक रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है हमारे पास द बिरयानी महल रेस्टोरेंट। मेन रोड पे ही पड़ता है तो हम लोग जाते टाइम दो तीन बार देखे थे, बट कभी ऐसा था नहीं कि हमको जाके खाना है। तो आज थोड़ा भूख वाली हरकत थी हमारे पेटों के अंदर, तो हम सोचे कि चलो एक बार चल के देखते हैं। सच्चाई हम बताते हैं, सच्चाई ये था आते आते बहुत तेज गर्मी लगा था, तो ये बोले कि कोई एसी वाला कोई रेस्टोरेंट हो तो इनके बाहर में ही लिखा हुआ था फुल्ली एसी, उसके बाद देखेंगे कुछ मेन्यू का, लेकिन पहले चलेंगे बैठेंगे। लेकिन आए तो गलती से अच्छा रेस्टोरेंट हम लोग को मिल गया। तो ये जस्ट ब्लॉग पूरा डेडिकेटेड इसी के ऊपर है, द बिरयानी महल रेस्टोरेंट। तो अगर आप कभी सोनपुर के आसपास में हो तो एक बार आइएगा, यहाँ पे क्या है नहीं है प्लस माइनस सब कुछ हम इस ब्लॉग के अंदर में शूट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके अंदर का इंटीरियर का। तो इंटीरियर कुछ इस तरीका का है हमारे पास, जहाँ पे अभी हम शाम के टाइम में है तो बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, बट अंधेरा के टाइम में इंटीरियर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, अट्रैक्टिव है। दिख पाता है अभी है कि नेचुरल लाइट है तो इस वजह से थोड़ा कम लगेगा आपको, बाकी रात को ये सब कुछ बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो सबसे पहले आप आइएगा तो आपको चाहिए कि बैठने के लिए कुछ बढ़िया सा व्यवस्था हो। तो आप एक नहीं, आपको हम यहाँ से लेके लास्ट तक का दिखा रहे हैं, ये एक सेक्शन हुआ इनका। उसके बाद ये होटल इतना ज्यादा भीड़ भाड़ में होता है, मतलब शाम के टाइम में, अभी हम 5 बजे के आसपास आए हैं तो थोड़ा सा खाली है, लेकिन ये पूरा जो बैठने का अरेंजमेंट है ये काफी बढ़िया, इस साइड भी है और इधर भी है। एक चीज, जैसे आप घुसेगा तो जो एक होता है ना फील अच्छा वाला आना, वो इसको देख के तो आपको आ ही जाएगा। और अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, फंक्शन जो फैमिली फंक्शन कहते हैं ना, वो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। उतना जगह है यहाँ पे ताकि यहाँ पे कोई भी फैमिली फंक्शन आप अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बाहर का व्यू देखते हुए अपना लंच डिनर या फिर कुछ भी करना है तो वहाँ पे अलग सीट, आप वो वाला सीट अपना खुद ही कपल आते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत है कि आप आ रहे हो रेस्टोरेंट में खाने के लिए, लेकिन अगर कोई फैमिली फंक्शन कर रहे हो तो उसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि डेकोरेशन करेंगे, डेकोरेशन वाले को हमको सब कुछ देना पड़ेगा। बट यहाँ पे इनके पास पोर्टेबल डेकोरेशन है, तो अगर आपके पास, जैसे हम आए यहाँ पे तो कल किसी ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है और इनसे पता चला कि आज इनका बर्थडे का रिजर्व है, तो इनके पास डेकोरेशन का अलग से आपको चार्ज देने का जरूरत नहीं है, पोर्टेबल डेकोरेशन ऑलरेडी बना हुआ है। आप चाहे तो इसको खुद अरेंज करवा सकते हैं, खुद अपने तरफ से डेकोर करवा सकते हैं, लेकिन इनका सब कुछ किया हुआ है। इसके जगह पे अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि हमको ये नहीं ये होना चाहिए तो भी आप बताइएगा, अभी वो हमारे इस दुकान के ओनर है तो उनसे बात करवाएंगे कि उनके पास क्या क्या स्पेशलिस्ट है। बट हम जितना देख पा रहे उतना बता दें, आप ऊपर का लाइटिंग वगैरह देख लीजिए, इसके हिसाब से आपको फील जो आएगा ना रिच वाली फील आएगी। बट खाने की जो चार्ज का बात करें तो अभी हम आपको मेनू दिखाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली खास करके हम लोगों के लिए बहुत सुटेबल है। और यहाँ अगर आप हमारे जैसा कपल आ रहे हैं तो आप आराम से इधर बैठिए, खाना खाइए और बाहर का लुक का आनंद लीजिए। और वो रहा द बिरयानी महल, जो आपको रोड से जाते जाते दिख जाएगा। लोकेशन की बात करें, JDS पब्लिक स्कूल बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो उसके जस्ट इन फ्रंट में है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इस एक रेस्टोरेंट का जो बात करें कि अभी गर्मी में जितना ज्यादा मरण हो रहा है उसमें एसी का व्यवस्था होता है, हर जगह जाओगे आप एक एसी मिलेगा। यहाँ पे इस छोटे से एरिया के लिए डबल एसी लगा हुआ है, डेकोरेशन है, इंटीरियर इतना अच्छा है। उसके साथ साथ में अगर आप आओगे तो अभी का जो टाइम है, कौन नहीं चाहता है कि हम बैठ के फोटो ले और हमारा फोटो बढ़िया है, कौन नहीं चाहता है हम वीडियो खींचे और वीडियो बढ़िया है। आप इस इंटीरियर को देखिए और आप बताइए कि यहाँ पे आपका फोटो कितना बढ़िया आने वाला है, ऐसा उधर फील हो रहा है जैसे आप गंगा नदी जा रहे हो, ऐसा देख लो। तो ये सब चीज है। और अभी हम बात करते हैं, आप मान लो कि एक जगह आ रहे हो तो ऐसा डर सा लगा होता है कि कभी आग लग गया रेस्टोरेंट है या कुछ भी हो गया, फायर हाइड्रेंट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, मतलब इनका जो रेस्टोरेंट है वो इनके पास फायर हाइड्रेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इसके थ्रू अंदर आइएगा, आगे जाइएगा, अगर पार्टी फंक्शन होता है तो नाचने का तो मूड सभी का करता है, डीजे उसके लिए भी अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप फंक्शन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हमको डिस्प्ले करवाना है हमारा फोटो वीडियो, उधर अवेलेबल है टीवी जिसके ऊपर आप डिस्प्ले करवा सकते हो। और अभी हम बात करते हैं इनसे, नवीन भैया, नाम आपका नवीन है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, थोड़ा जोर से बोलिएगा और बताइए कि आपके पास मेनू में क्या क्या है। मेनू में हर आइटम है।
तो अभी हम एक बार मेनू ओपन करेंगे और मेनू दिखा देंगे कि कौन से रेंज में क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। तो और इनके पास एक सबसे बड़ी बात है कि ये तो खुद ही हर चीज को यहाँ से हैंडल कर ही रहे, इनके साथ साथ में वेटर या जो भी बोले, आपको बाहर में लगता होगा कि वेटर है बट यहाँ पे एज अ असिस्टेंट, एज अ ब्रदर, एज अ भाई बहुत बढ़िया ये लोग सपोर्ट भी करते हैं। इंटीरियर आप देख लीजिए काफी अच्छा है। बाकी मेनू में क्या क्या है आपके पास, तो ये रहा मेनू, यहाँ से शुरू होता है। इनके पास स्टार्टर है, चाइनीज है और रोल है, सूप है, बाकी नूडल्स वगैरह। तो इसके अंदर आने से पहले हमको क्या था, जैसे बाहर से आप देखोगे, जैसे मेरे मन में डाउट था कि बाहर में लिखा हुआ था बिरयानी महल, मतलब हो सकता है कि अंदर में सिर्फ बिरयानी बन रहा हो, बिरयानी मिल रहा हो, तो अगर हमें फास्ट फूड खाना था तो हम फास्ट फूड आके कहाँ पे खाते। तो इनके अंदर में ऐसा नहीं कि बिरयानी लिखा हुआ है तो सिर्फ बिरयानी है, इसके अलावा भी आपके पास आइटम है। और बंदा जो आपका बनाने वाला है वो सब कितना एक्सपीरियंस है सर? एक्सपीरियंस काफी अच्छा है आपका। अच्छा, बंदा लोग बढ़िया बना लेता है, तो हम तो ऑर्डर कर दिए हैं, बाकी आता है तो आपको दिखाएंगे कि क्या है। हाँ, आएगा तो हम खाने के बाद रिव्यू देते हैं, रिव्यू देंगे डेफिनेटली। बाकी पैसे की बात करें तो हर एक आदमी का होता है कि इंसान कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहा होता है, उसके साइड से कुछ करना चाहता है, तो इनका भी सेम यही चीज है। जैसे बातचीत से पता चला कि ये खुद बैंक में जॉब करते हैं और उसके साथ साथ में पार्ट टाइम में इधर आके इसको भी हैंडल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी इंटीरियर इनका एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह जहाँ पे आप बैठ रहे हो वहाँ का इंटीरियर अच्छा है, ये जहाँ पे है उधर का भी इंटीरियर काफी अच्छा है। आप जहाँ पे बैठोगे, मतलब हमें जहाँ बैठने का ऑप्शन मिलेगा उधर भी अच्छा है, और जहाँ पे आप अपना फंक्शन कर सकते हो वहाँ पे भी अच्छा है। तो हम ऑर्डर किए हैं, लेकिन किए क्या है वो देखते हैं। तो हम जो ऑर्डर किए थे उसमें हमारे पास आ गया है, ये रहा नूडल्स और ये रहा हमारे पास एग रोल। तो पहले खा ही लेते हैं, और खाते खाते मैडम का फोन आ गया, तो पहले खा लेते हैं और उसके बाद बताते हैं। बाकी खाने से पहले एक होता है कि इंटीरियर के बारे में बताना और लोकेशन के बारे में बताना। लोकेशन, और देखिए इतना नीट एंड क्लीन तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी रेस्टोरेंट सोनपुर के अंदर में हो जो इतना नीट एंड क्लीन रखा हो, तो ये नीट एंड क्लीन व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और आने के बाद हमारी वाइफ को थोड़ा सा ठंडा लगने लगा, तो बोली कि एसी बंद करिए और पंखा चलाइए। तो इनके पास ऐसा नहीं कि आपको अगर एसी से एलर्जी है तो ये पंखा नहीं चला सकते, बस एसी बंद करवाइए और पंखा चलवाइए, आप जहाँ रहेंगे वहां तक आएगा। तो ये भी एक ऑप्शन इनके हमारे तरफ से बहुत अच्छा लगा, बाकी ये सब भी अच्छा है। तो हम अभी क्या करते हैं कि पहले जो हमने ऑर्डर किया उसको खा लेते हैं, और खाने के बाद एक बार चल के आपको किचन दिखाते हैं कि आखिर। बहुत लोगों के मन में होता है कि हम जहाँ पे आए हैं खाने, किचन साफ सुथरा नहीं होता हो, कल का तेल यूज होता हो, परसों का कुछ होता हो, तो हम वैसे हम किचन भी चल के दिखाएंगे, बट उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। लेकिन आप अगर कभी भी गुजर रहे हैं सोनपुर के रास्ते से, तो एक बार मेरे तरफ से स्ट्रांगली प्रीफर कर रहे हैं कि आप आइएगा, मजा आ जाएगा यहाँ का लोकेशन, यहाँ का इंटीरियर, यहाँ के माहौल में रह के। रेस्टोरेंट है तो खाने पे आते हैं, खाना खा के आपको मजा आ जाएगा। यस, खाना खा के हम बताते हैं आपको। ये रहा हमारा ऑर्डर किया हुआ नूडल्स, जिसको उन्होंने तो दे दिया बट खाने के लिए इंतजार में है, बेताबी में है, और ये सोच रही है कि पहले नूडल्स खाए, और हम सोच रहे हैं पहले एग रोल को सजा लिया जाए, बट फाइनली डिसाइड किए हैं कि पहले खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं। खाना हमको इतना ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का कि हम पता ही नहीं चलने दिए और कब हम आधा से ज़्यादा खा जाएं। फिर लास्ट में पता चला कि हमको हाफ हाफ करना था, तो थोड़ी सी बचा हुआ था इसको दे दिए, और ये सोनाली को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि आधा से ज़्यादा इसने भी खींच दिया, तो जो थोड़ा सा बचा उसको हम खा लेते हैं। ठीक है, हम लोग शेयर करके खाते हैं, कोई भी चीज ऑर्डर करेंगे तो पहले नहीं सजा पाते, तो वो अपना आधा मेरे को दे देते हैं, अपना आधा उनको दे देते हैं। तो अभी जस्ट हम शेयर करके खा रहे हैं, और खाने के बाद आप सबको दिखा। और मन पेट तन भरने के बाद, मतलब स्नैकिंग का कितना ही चार्ज होता होगा आप लोग एक बार गेस करिए, खैर बताएंगे हम लोग तब भी, आप बताइए। बाहर में खाते हैं तो कितना देते हैं ओनली स्नैकिंग के लिए? ठेला पे भी जाके खाना खाने तो हमको पता चलता है कि फास्ट फूड का सिर्फ 150-200 रुपये हम लोग पे करके आते हैं, जैसे कि पोरबंदर, हाजीपुर, सोनपुर वगैरह में हम लोग खाए, नया गाँव में भी खाएं तो, बट इतना बड़ा रेस्टोरेंट में आके फास्ट फूड, वो भी भरपेट फास्ट फूड खा के हम लोग जा रहे हैं, और बिल देख के हमें रहा नहीं गया कि आपको दिखा दें, जस्ट 100 रुपये के अंदर में हम लोग इतना कुछ खा के जा रहे हैं। और ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि वीडियो क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, इसलिए कम लग रहा है। यहाँ पे बिलिंग में और मेन्यू में आप मिला भी सकते हैं, मेन्यू में भी सेम प्राइस है और बिल में भी, और हम लोग ये सब चीज में तो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। तो खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, हम ऐसा सोच रहे थे कि आपको किचन दिखाए, बट इतना ज्यादा अच्छा खाना होने के बाद किचन क्या ही देखने का क्या ही फायदा है। तो ये वाला ब्लॉग रहा डेडिकेटेड इसके ऊपर में, और अगर आप कभी गलती से गुजरते हो इधर से, तो मेरे हिसाब से आप जस्ट आओ, एक आइटम ट्राई करो, बट करो, बहुत बढ़िया खाना मिलेगा यहाँ पे, उसके साथ साथ फोटोशूट वीडियो शूट बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में।